IPL 2019 में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जो कि पिछले 3-4 साल से पंजाब के साथ एसोसिएट थे, 2018 में ये मेंटर थे पंजाब की टीम के, उन्होंने पंजाब से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं और अब वो मेंटरशिप नहीं करने वाले हैं 2019 में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो बड़े रीजंस, वो दो बड़े कारण जिसके चलते वीरेंद्र सहवाग ने ये कदम उठाया है। तो अंत तक हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप भी आईपीएल के चबरे वाले फैन हैं, आईपीएल 2019 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं लाइक बटन दिया होगा, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्सअप दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा रीजन वीरेंद्र सहवाग का इस टीम को साथ को छोड़ने का है वो निकल कर आ रहा है भाई 2018 के आईपीएल से। 2018 के आईपीएल में दोस्तों एक मैच था जिसकी सारे स्टैट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जिसमें हुआ ये था कि रविचंद्रन अश्विन को अपर ऑर्डर में प्लेइंग 11 में खेलने के लिए भेज दिया गया था। उस मैच में पंजाब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और पंजाब की टीम उस मैच को हार गई थी। उसके बाद जो किंग्स इलेवन पंजाब की को ऑनर है प्रीति जिंटा, वो भड़क गई थी वीरेंद्र सहवाग के ऊपर, दोनों के बीच एक तरह से आर्ग्यूमेंट हुए थे, लड़ाई हुई थी, बातचीत हुई थी, जिसके बाद से दोस्तों हमने ये सबसे पहले रिपोर्ट चलाई थी उस दौरान कि जो वीरेंद्र सहवाग है वो छोड़ सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी वो जाकर भी देख सकते हैं। और फाइनली दोस्तों वो सबसे बड़ा रीजन है जो डिसरिस्पेक्ट हुई वीरेंद्र सहवाग की, जिसके कारण दोस्तों उन्होंने पंजाब की टीम के साथ ये जो नाता था वो तोड़ा है। दोस्तों दूसरा बड़ा रीजन है वीरेंद्र सहवाग का एक तरह से हट जाने का पंजाब की टीम से, वो है भाई मयंक डागर। दरअसल दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग के कजिन है मयंक डागर, और उन्हें दोस्तों 2018 की नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने खरीदा था ऑक्शन पे। और सबसे हैरानी की बात है कि ऑक्शन टेबल पर खुद वीरेंद्र सहवाग बैठे थे। ये बात पंजाब के मैनेजमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक तरह से अड़ गए थे कि हाँ मुझे मयंक डागर टीम में चाहिए। हालांकि मयंक डागर ने 2018 में कोई ऐसा परफॉर्मेंस किया नहीं, ना ही उन्हें इतने मौके दिए गए, तो क्यों उन्हें लिया गया, क्यों एक युवा खिलाड़ी का हक छीना गया, ये पंजाब की मैनेजमेंट का सवाल था। और ये दूसरा बड़ा कारण था कि इनके बीच तनातनी हुई थी, और ये दूसरा बड़ा कारण है कि जो वीरेंद्र सहवाग है वो हट गए हैं पंजाब की टीम की तरफ से, और अब ये भी रिपोर्ट्स है कि मयंक डागर भी रिलीज होने वाले हैं पंजाब की तरफ से। तो भाई ये दो बड़े रीजन थे जिसके चलते ये फैसला आया है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दिया होगा उस बेल आइकन को जरूर दबाइए।